हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल @ फ्री क्लासेज में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं चैप्टर नंबर 4, क्लास नंबर 2, ग्रुप एनालिसिस, समूह विश्लेषण चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ज्वाइन करने ना भूलें। जितना से जल्द आप ज्वाइन करें ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। देरी नहीं कीजिएगा, बस 1 मिनट में चालू कर दूंगा। मेरा क्लासेस पर डे 10 से 12 बजे तक रहता है, इसलिए डेली क्लास ज्वाइन करने का कोशिश करें 10 से 12। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें। फ्री एंड कॉस्ट में है क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बस 1 मिनट में क्लास शुरू हो जाएगी। अगर ज्वाइन कर लिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि क्लास को मैं शुरू कर सकूं। देरी नहीं कीजिएगा ज्वाइन करने में। फटाक से ज्वाइन कीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन करें फटाफट, देरी नहीं करें। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अगर कोई बात लिखनी होगी तो वो लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद ही वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इसलिए जिनको भी कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से, इसलिए लिखा है। पढ़ो वही जिससे सफलता मिले, पढ़ो वही जिससे सफलता मिले। एक बार इस चैनल पे पढ़ो, कभी भूल नहीं पाओ। इस चैनल पे एक बार आप पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर को तो आप भूल नहीं पाएंगे। उससे जितनी भी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप कहीं से भी बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। देरी नहीं कीजिएगा, ज्वाइन कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, ज्वाइन कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट ज्वाइन करें, मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मेरा यूट्यूब चैनल @RAClasses में, जिसमें रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर नंबर 4, क्लास नंबर 2 है, ग्रुप एनालिसिस, समूह विश्लेषण। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, इसका प्रीवियस मैं बता चुका हूँ, 11 क्वेश्चन बता चुका था। ब्रह्मा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाक से बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। क्या बन गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बन गया? अगर आपसे बन गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसे समझ सकूं कि आपसे बन रहा है। और जिनसे नहीं बना है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। जिनसे बन गया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं,
कि बन गया है। क्या आंसर आएगा बताइएगा। क्वेश्चन देखिए पढ़ रहा हूं। अच्छा है, शरद से छोटा है, शरद रवि से बड़ा है, परंतु सुमित जितना बड़ा नहीं है। राजन पांच मित्रों में आयु के क्रम में तीसरा है, तो सबसे छोटा कौन है? चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए बनाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अक्षर शरद से छोटा है, ठीक, शरद से छोटा है मतलब कि शरद बड़ा है, शरद बड़ा है अक्षर से, अच्छे से, ठीक। पहला देख लेते हैं, चलिए पहला समीकरण। दूसरा कह रहा है शरद रवि से बड़ा है, शरद जो है रवि से बड़ा है, शरद रवि से बड़ा है, ठीक, परंतु सुमित जितना बड़ा नहीं है, सुमित इससे भी बड़ा है, सुमित इससे भी बड़ा है, ठीक। अब दोनों स्थिति में क्या कह रहा है? राजन पांच मित्र में से आयु के क्रम में तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो सबसे देखिए यहाँ पे, अब नीचे देखते हैं, चलिए बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है अक्षर, अक्षर सबसे लास्ट में आ रहा है। क्योंकि शरद के बाद ही रवि है, और शरद के है उसके बाद अक्षर है, क्या? चलिए इसका दो समीकरण बन रहे हैं, तो दोनों समीकरण को लिख देते हैं आपको। अक्षर से बड़ा है रवि, रवि से बड़ा है राजन, क्योंकि तीसरे नंबर पे बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है तीसरे नंबर पे आता है राजन, तीसरा नंबर पे आ रहा है, ठीक, उससे बड़ा है शरद, और उससे बड़ा कौन है? सुमित, सुमित, ठीक। या तो ये होगा दूसरा, दूसरा या तो ये होगा, देखिएगा, रवि इससे बड़ा हो जाएगा अक्षर, उससे बड़ा होगा कौन होगा? राजन, क्योंकि राजन तीसरे नंबर पे आता है, उससे बड़ा होगा शरद, और उससे बड़ा सुमित। कह रहा है सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन होगा बताइएगा। तो देख रहे होंगे क्वेश्चन जैसा कह रहा है, ये पहला है ये दूसरा है, ठीक, दूसरा समीकरण है इसका। तो इसमें देख रहे होंगे शरद जो है, अक्षर जो है शरद से छोटा है, और शरद यहाँ है जो रवि से छोटा है, दोनों कह रहा है, लेकिन इससे बड़ा कौन है? सुमित। इसमें तो मतलब सबसे छोटा कौन हो सकता है इसमें? रवि, तीसरा नंबर आंसर सही, ठीक है, बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, चलिए बनाइएगा।
फटाक से आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। अच्छा अगर बन रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बन रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, ज्वाइन कीजिएगा मेरे क्लास को। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तुरंत ज्वाइन कीजिए। चलिए बन गया, अगर बन गया होगा तो अच्छी बात है। चलिए बनाते हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। आम का पेड़ नारियल के पेड़ से जितना बड़ा लंबा है, मतलब आम का पेड़ जो है, दिख रहा है कलर, चलिए इसी को देखते हैं। आम का पेड़ मतलब बराबर है, जितना बड़ा आम का है उतना बड़ा नारियल का भी है, ठीक। चलिए उसके बाद कह रहा है केला का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, केला का पेड़ केला का पेड़ जो है किससे छोटा है, केला का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, मतलब ये केला का पेड़ ही छोटा है, ताड़ बड़ा है, ताड़ बड़ा है किससे, केला से, ठीक। आगे फिर कह रहा है अमरूद का पेड़ केला के पेड़ से छोटा है परंतु आम के पेड़ से बड़ा है, ठीक। केला का पेड़ अमरूद के पेड़ जो है छोटा है, अमरूद, और उससे लेकिन आम से बड़ा है, मतलब आम यहाँ पे। पहला ही कहानी कह रहा था, दूसरा में ये कह रहा है, तीसरा में ये कह रहा है, अब तीनों को हम बैठा देते हैं एक लाइन में, देखिएगा। आम बराबर है नारियल, नारियल, ठीक, और इससे बड़ा है, आम से बड़ा कौन है, अमरूद, आम से बड़ा अमरूद, अमरुद, ठीक, उससे बड़ा है केला, और उससे बड़ा है ताड़। तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा पेड़ कौन है, तो सबसे बड़ा पेड़ कौन है, ताड़ है, इसका मतलब डी। तो क्या बन जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, पक्का श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा।
फटाफट क्वेश्चन को बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। फटाक से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा। क्या बन गया? चलिए, बन गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बताने के लिए, घबराने की बात नहीं है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकें। जो बच्चे को नहीं पता है मेरे क्लास के बारे में उनको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिनके पास चैनल मेरे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिनके पास नहीं पता है उनको शेयर करें ताकि वो ज्वाइन कर सकें। चैनल का नाम है @RA3Classes। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए लंबा है ई से, बी लंबा है डी से, एफ लंबा है सी से, डी लंबा है ए से, ई लंबा है एफ से, तो उनमें सबसे लंबा कौन है? बताइए, उनमें सबसे लंबा कौन है? बहुत इजी है, बस चंद सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है ए लंबा है, ए जो लंबा है किससे? ई से, ठीक। बी लंबा है डी से, नहीं कह सकते। अब चलिए यहां पर आते, ई ए लंबा है ई से, ए डी लंबा है, क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा था? ए लंबा है ई से, बी लंबा है डी से, एफ लंबा है सी से, तो डी लंबा है ए से, तो डी लंबा है ए से, ए से लंबा कौन है? डी। चलिए अब कह रहा है डी के बारे में, तो बी लंबा है डी से, मतलब डी से लंबा है बी। चलिए ठीक है, एफ लंबा है सी से, फिर कह रहा है ई लंबा है एफ से, चलिए एफ ई लंबा है एफ से, फिर कह रहा है यहाँ पे एफ लंबा है सी से, मतलब ई है सी, मतलब इस तरह से भी आप बैठा सकते हैं। बी लंबा है डी से, डी लंबा है ए से, ए लंबा है ई से, ई लंबा है एफ से, एफ लंबा है सी से। अब बताइए सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा बी है, इज राइट आंसर। क्या बन गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई पांच नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं, ए नदी है जो बी से, ए जो है बी से छोटी है। चलिए कलर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, कलर चेंज करते हैं। बी है बड़ा ए से, परंतु ई लंबी है किससे? परंतु ई से लंबी नहीं है, मतलब ई से लंबी नहीं है। ठीक है, बड़ी है, ठीक है। सी सी सबसे लंबी है, मतलब सी सबसे लंबी है। चलिए सी सबसे लंबी अगर यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, अब कह रहा है डी
डी के बारे में करें। डी बी से छोटी है, डी बी से छोटी है, मतलब यहाँ पर अगर इस हिसाब से है तो हम यहाँ पर सी बी, इसके बाद डी, तब ए, तब ई, ठीक है। डी बी से छोटी है बट ए से बड़ी है, ए से बड़ा है, ठीक है, मतलब लंबी है, इसको हटाते हैं, ठीक। चलिए अब कह रहा है सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी बताइएगा कौन है, ई, इसका मतलब चार नंबर, तो क्या बन जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे ना पक्का, श्योर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन को। देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। देरी नहीं कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा मेरे क्लास को। चलिए क्वेश्चन बनाया, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कितना आएगा, कौन सा आएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। अशोक मोहन महेश से लंबा है, अशोक जो है महेश से लंबा है, चलिए अशोक किससे लंबा है, महेश से, अशोक लंबा है महेश से, महेश से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, धर्मा महेश और मीरा से लंबा है, धर्मा जो है महेश और मीरा से लंबा है, मतलब धर्मा, धर्मा जो है महेश एवं मीरा से लंबा है, तो बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। बताइए, तो क्लियर कर रहा है क्या कि किससे कौन बड़ा है। एक नंबर अगर देखते हैं, ये 2 नंबर है, तो यहां पर तो 2 का दे दे रहा है। चलिए धर्मा तो कंफर्म हो गया कि महेश से लंबा है, तो महेश तो हो गया कि महेश से लंबा है, तो महेश के बाद ही है, मतलब इस तरह का आपका डायग्राम बन जाएगा, अशोक, ठीक, इससे बड़ा हो यहाँ पर। चलिए कलर चेंज करके लिखते हैं आपको, अशोक, उसके बाद धर्मा, उसके बाद महेश, लेकिन एवं मीरा कर रहा है, तो ये दोनों में कौन है क्लियर नहीं दिया है, ऑप्शन में तो है नहीं, अलग अलग है, तो इसलिए तय नहीं किया जा सकता है।
इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूज किया जाता है, एग्जामिनर इस तरह से आपका एग्जाम में कंफ्यूज करता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा। फटाफट क्वेश्चन बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बन गया, बताएं। जिनका बन गया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन बन गया होगा तो आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका वेट हो रहा है। एक बार प्रयास तो कीजिए, कोशिश कीजिए, बनता है कि नहीं। कोशिश करने पे ही सब कुछ बनता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राकेश प्रकाश से छोटा है परंतु नीलिन से बड़ा है। अमित सुरेश से बड़ा है परंतु कौशल से छोटा है। इनमें सबसे छोटा कौन है की स्थिति प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। सुरेश पहला ऑप्शन दे रहा है, सुरेश प्रकाश से छोटा है, नीलन कौशल से बड़ा है। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। राकेश प्रकाश से छोटा है, ठीक, प्रकाश से छोटा है राकेश जो है। राकेश जो है प्रकाश से छोटा है, प्रकाश, ठीक। अब क्या कह रहा है, परंतु नीलन से बड़ा है, परंतु नीलन से बड़ा है राकेश, नीलन से बड़ा है, नीलन से बड़ा है, ठीक। अब कह रहा है अमित सुरेश से बड़ा है, अमित सुरेश से बड़ा है, ठीक है। चलिए बड़ा लिखें क्या, छोटा में आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है। चलिए बड़ा में लिखते हैं, देखिएगा फिर से लिख रहा हूं। प्रकाश, ठीक, प्रकाश जो है राकेश से बड़ा है, राकेश, परंतु नीलन से छोटा है, मतलब नीलन से बड़ा है, परंतु नीलन से बड़ा है। प्रकाश से छोटा है राकेश लेकिन नीलम से बड़ा है नीलन, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अमित सुरेश से बड़ा है, अमित जो है सुरेश से बड़ा है, अमित सुरेश से बड़ा है, सुरेश, सुरेश से बड़ा है परंतु कौशल से छोटा है, मतलब कौशल से छोटा है। कौशल से छोटा है
अब क्या कह रहा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है कि स्थिति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रश्न में से कौन सा स्थिति के रूप में सत्य है, बताइए। सुरेश प्रकाश से छोटा है, सुरेश जो है प्रकाश से छोटा है, नीलन कौशल से बड़ा है, तो क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंट है? तो ये दोनों में से कोई भी स्पष्ट नहीं होता है कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। या तो इसका आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, मतलब केवल ए या बी, दो में से एक ही को हो सकता है ना क्या? बन जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बनाइएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, राजू भोलू से आयु में बड़ा है पर कल्लू से छोटा है, पूजा उतनी बड़ी है जितनी की सीता है, पर कल्लू से बड़ी है, उन सब में सबसे अधिक आयु वाला कौन है, बताइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी का, एलडीसी का हो, या यूडीसी का हो, झारखंड पुलिस का हो, मतलब डिफेंस लेवल का, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, तो हर एग्जाम में इस तरह का पूछता है। तो क्वेश्चन को इस तरह से घुमाता है ना कि एग्जामिनर की आपके माइंड ही चकरा जाएंगे, तो वो आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? चलिए फटाक से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए पूजा, ऑप्शन नंबर बी कल्लू, ऑप्शन नंबर सी भोलू, ऑप्शन नंबर डी सीता। चलिए बताइएगा। आज बहुत सारे क्वेश्चन बताना है, कल नहीं बता पाया था, इसलिए फटाफट थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी सोल्यूशन करने का, ताकि कल मैं नया एक चैप्टर शुरू कर सकूं। आज लास्ट कर देता हूं इसको, हर टाइप का इसको बता दूं क्वेश्चन, ताकि आपके इस चैप्टर से दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। कह रहा है, राजू भोलू से आयु में बड़ा है, राजू किसे भोलू से आयु में बड़ा है। चलिए भोलू बड़ा है, ठीक। कल्लू पर कल्लू से छोटा है, मतलब कल्लू उससे भी बड़ा है, राजू से भी बड़ा है। पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी की सीता है,
मतलब सीता इतनी बड़ी, सीता से ज्यादा बड़ी पूजा नहीं है, मतलब छोटी है। ठीक। पर कल्लू से बड़ी है, मतलब कल्लू से बड़ी है। कल्लू से बड़ी है मतलब यहां पे देख लेंगे तो क्या हो गया बताइए। एक नंबर में ये, दो नंबर ये, तो आप कह रहा सबसे अधिक आयु वाला, तो इस तरह से बैठा सकते हैं यहाँ पे सीता, फिर उससे छोटी पूजा, फिर इससे छोटा कल्लू, फिर इससे छोटा राजू, और उससे छोटा भोलू। क्या है सही? तो अब कह रहा है कि सबसे अधिक आयु वाला, तो सबसे अधिक आयु वाला कौन है बताइएगा। सबसे अधिक आयु सीता, तो क्या बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो 100% बनना चाहिए। चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बनाइएगा। फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बताते हैं, देखिएगा। कह रहा उषा लंबी है महेश से, महेश से उषा लंबी है। चलिए महेश कलर चेंज करते हैं। महेश से लंबी है उषा। ठीक। पर उतनी लंबी नहीं है जितना कि सुरेश, सुरेश उषा से भी लंबी है। ठीक। चलिए सुरेश नाता है खान से, खान से नाटा है, मतलब खान बड़ा है, खान बड़ा है, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि सुभाष, सुभाष इससे भी लंबा है, खान से भी लंबा है सुभाष। ठीक। अब कह रहा है कि समूह में सबसे लंबा कौन है बताइएगा। समूह में सबसे लंबा कौन है? सुभाष। एक नंबर आंसर इज राइट। तो बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनाइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा।
फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन देखिएगा। गोकलगढ़ बीकानेर से बड़ा है, ठीक? क्या है? बड़ा है। चलिए बनाते हैं, ठीक है? बीकानेर से बड़ा है, कलर चेंज करता हूँ। वो कल किससे बड़ा है? बीकानेर से। बीकानेर से, बीकानेर नाय गांव से बड़ा है। नाय गांव से बड़ा है, नया गांव। रामपुर इतना बड़ा नहीं है, मतलब कि नाय गांव जो है भी और इससे भी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, मतलब कि इससे बड़ा है। तो ये पहले नहीं आएगा, पहले आएगा। चलिए रामपुर, रामपुर और नाय गांव, ठीक? अब देखते हैं क्या कह रहा है। जितना बीकानेर है, ठीक, चलिए बीकानेर बड़ा है, रामपुर से छोटा, परंतु जमुनापुर से बड़ा है, मतलब जमुनापुर इससे भी बड़ा है, मतलब छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, परंतु बीकानेर इतना बड़ा नहीं है, तो जमुनापुर छोटा है। नापुर, ठीक। नाय गांव इतना बड़ा नहीं है जितना कि जमुनापुर, इससे बड़ा हो गया। जितना जमुनापुर है, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? नाय गांव। सबसे छोटा नाय गांव, तो 4 नंबर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइएगा। 5 नंबर बताइएगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजू बड़ा है रिंकू से, परंतु राजेश से छोटा है, महेश से छोटा राजेश है, रिंकू हिमांशी से बड़ा है, हिमांशी छोटी है राकेश से, जो रिंकू से बड़ा छोटा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? चलिए बताइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर एक है राजू, ऑप्शन नंबर टू है राजेश, ऑप्शन नंबर थ्री हिमांशी, ऑप्शन नंबर फोर महेश। जल्दी से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। क्या आंसर आएंगे? कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं, देखिए राजू बड़ा है रिंकू से, राजू बड़ा है रिंकू से,
परंतु राजेश से छोटा है, राजेश से छोटा। राजेश से छोटा कौन है? राजेश कह रहा राजू बड़ा है रिंकू से, राजू बड़ा है रिंकू से, राजू बड़ा है रिंकू से, परंतु राजेश छोटा है, परंतु राजेश से छोटा है। ठीक है, महेश से छोटा है राजेश, महेश से छोटा है राजेश। एक सेकेंड, इस तरह से भी, चलिए बड़ा छोटा का हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि रिंकू रिंकू जो है बड़ा है किसे? राजू से। ठीक, उससे बड़ा है राजेश। ठीक, उससे क्या है? महेश। ठीक है, अब कह रहा है रिंकू हिमांशी से बड़ा है, हिमांशी से, हिमांशी। ठीक, हिमांशी से बड़ा है। हिमांशी छोटी है राकेश से, ठीक, राकेश से। रिंकू छोटा है किससे? राकेश से। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इनमें से सबसे बड़ा कौन है? हिमांशी। 3 नंबर आंसर। ठीक है, बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लीलावती कलावती से छोटी है, लीलावती कलावती से छोटी है, कलावती से छोटी है कौन? लीलावती। किंतु उतनी नहीं है जितनी की फूलवती है, फूलवती। फूलवती है। ठीक, इतना तो आ गया होगा। चलिए अब कह रहा है सोमवती फूलवती से छोटी है, इससे भी छोटी कौन है? सोमवती जो है फूलवती से छोटी है। लेकिन कलावती सबसे बड़ी है, तो इनमें सबसे छोटी कौन है? सोमवती फूलवती से छोटी है। ठीक,
पुष्पावती से छोटी है, सॉरी सोमवती पुष्पावती से छोटी है ना, इससे नहीं है। सोमवती जो है, सोमवती जो है पुष्पावती से छोटी है। सोमवती बड़ी है, ठीक। परंतु कलावती से बड़ी है, कलावती से बड़ी है, तो इस तरह से हम बैठा देंगे। देखिए पुष्पावती, उसके बाद सोमवती, फिर कलावती, फिर लला लालवती, फिर आएगा फूलवती। अब कह रहा है सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी फूलवती, सबसे छोटी फूलवती है, मतलब तीसरा नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए कितना होगा, देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। चलिए देखिए, कह रहा है ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है। चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे करके देखते हैं। ए जो है बी से लंबा है, ठीक। अब कह रहा है परंतु सी से नाटा है, सी से नाटा है, ठीक, तथा बी उतना लंबा नहीं है जितना कि डी है, मतलब डी यहाँ पे है, सॉरी नहीं यहाँ पे नहीं है, डी उतना लंबा नहीं है, मतलब डी छोटा है, ठीक है, परंतु ई लंबा है, ई लंबा है, ठीक। अब क्या कह रहा है, तब डी, उतना लंबा जितना लंबा ए है, सी लंबा डी कितना है, क्वेश्चन नहीं ठीक से नहीं दे रहा है, ठीक से फिर से बनाते हैं इसको। कह रहा है ए जो है बी से लंबा है, ठीक, परंतु सी से नाटा है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है बी उतना लंबा नहीं है जितना कि डी, मतलब उतना लंबा नहीं है जितना कि डी, मतलब डी ज्यादा लंबा है, ठीक, बी से लंबा है, परंतु ई से
परंतु ई से लंबा है, ई से लंबा है। ठीक, अब क्या कह रहा है? तब डी का क्या स्थिति है? उतना लंबा नहीं है जितना ए, नहीं, कह रहा है सी से लंबा है, हाँ, बी से नाटा है, ए से नाटा है। ए से नाटा है, ए से नाटा है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा जल्दी से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं समझा पाऊँ आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को आ रहा है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ रहे हैं हमसे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश जो है अनिल से भारी है, सुरेश सुरेश जो है अनिल से भारी, अनिल से भारी है। ठीक, परंतु राजू से, राजू जितना भारी नहीं है, राजू जितना भारी नहीं है, मतलब राजू उससे भी ज्यादा सुरेश से भारी है। ठीक, फिर कह रहा है अनिल जो है जयेश से भारी है, अनिल जो है जयेश से भारी है, जयेश। कृष्णा जो है सुरेश से भारी है, कृष्णा जो है सुरेश से भारी है, कृष्णा। भारी है परंतु राजू से हल्का है, राजू से हल्का है। ठीक है, इनमें से सबसे भारी कौन है बताइए? इनमें सबसे भारी कौन है? राजू। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। क्या कह रहा है? पांच नवजात बच्चे का वजन डॉक्टर ने तौला। ठीक, अपनी रिपोर्ट में उसने कहा ए बी से हल्का है, ए जो है बी से हल्का है, बी से हल्का है। ठीक, सी डी से हल्का है, सी जो है डी से हल्का है, डी से हल्का है। अब क्या कह रहा है? डी बी डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है। ठीक, परंतु ई से भारी है, ई से भारी है, मतलब तो कह रहा है सबसे बच्चा भारी कौन है? सबसे बच्चा भारी कौन है? डी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास में ज्वाइन करने के लिए। यूट्यूब चैनल जो @RAclasses में बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास को ज्वाइन किए। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है, थैंक यू। मेरा यूट्यूब चैनल पे है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, हमसे जुड़ सकें। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।